जबलपुर जिले में खुले कुओं और बावड़ियों को पूरी तरह से सुरक्षित किया जाएगा ताकि इसमें गिरकर किसी की भी मौत ना हो। उजारपुरवा में भी खुली बावड़ी है, यहाँ कोई भी हादसा हो सकता है। नगर निगम के अधिकारियों द्वारा अभी तक लगभग 118 कुएं और 16 बावड़ियों को चिन्हित किया गया है। इसमें यह निर्धारित किया जा रहा है कि सुरक्षा संबंधी कौन कौन से कार्य इनमें कराए जाने हैं। पूरी जानकारी देते हुए नगर निगम के भवन शाखा अधिकारी अजय शर्मा ने बताया, जो बावली वगैरह है तो उसके निरंतर सफाई तो हम लोग करते रहते हैं, साल में एक बार पानी निकाल के साफ करना, लेकिन वो रोका पानी है, लोग कचरा वगैरह डालते हैं तो फिर से हो जाता है। बाकी जो उसके सुरक्षा और मरम्मत का कार्य है उसका सर्वे हमारे यहाँ जो भवन शाखा के लोग हैं वो उसको कर रहे हैं और उसमें वो आवश्यक करें। वहाँ की सफाई का काम पहले हुआ, हम फिर से उसको चालू कर रहे हैं। अभी एक दो बावली साफ भी हुई है, उसको स्टार्ट कर दिया है साफ करने का। जबलपुर की बात की जाए, कितनी बावली अभी अपने नगर निगम की? मेरे पास जो लिस्ट अभी उपलब्ध है उसमें 16 बावलियों की लिस्ट है मेरे पास, और फील्ड सर्वे में से हो सकता है और भी बढ़ के आए। कुओं और बावड़ियों के संबंध में शासन के ये निर्देश आए हैं कि इन्हें सेफर किया जाए और इन पर किसी भी तरह की दुर्घटना ना हो, ये प्रयास किए जाएं। तो हमारी ओर से सारे कुएं और बावड़ी का निरीक्षण किया जा रहा है, सभी जोनों में हर एक जोन का हमारा जो इंजीनियर है वो निरीक्षण कर रहा है और वो ये बता रहा है कि किस बावड़ी में क्या करना है, कौन से कुएं सेफ हैं, कौन से कुएं में क्या करना है, जल्दी कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। कितनी बावड़ी और कितने कुएं चिन्हित किए गए हैं? कुएं तो 118 देख लिए गए, बावड़ी भी 16 के करीब चिन्हित की गई। उजारपुरवा के नाम से बचती है उजारपुरवा बावली, हम लोग को तो हो गए 300 साल, आते हैं हर बार सफाई हो जाती है और बनेगी बनेगी बोल दे, फिर कुछ काम नहीं। ये बाउंड्री वगैरह भर बनी है, उसके बाद कोई काम ही नहीं है। पानी फिर वही गंदा का गंदा हो जाता है। सुनने में आया है हादसे भी हो चुके हैं? हाँ, वो तो हर तीसरे साल में हादसे होते ही हैं, यानी चाहे वो जानवर के हों चाहे इंसान के हों। तो क्या किसी प्रकार का कोई जाल हो? भाई जाल डल जाए, बंदोबस्त हो जाए, सारी व्यवस्थाएं हो जाए तो उसमें गंदा पानी भी ना जाए, साफ रहेगा तो हम लोग भी यूज कर सकते हैं। अभी ये पानी को यूज नहीं, अभी क्या वो पूरी चोई लगी है कि गंदा है, कौन यूज के बास मारता है।